चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, उन सब का ज्ञान चाहिए। सवेरे उठते खटिया पर ही चाय पी रहे हो, क्यों पी रहे हो, उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, जानना चाहिए। ठंडी का ठंडी लगी इसलिए गर्म करने का चाय नहीं है, खाना हजम करने के लिए। हाँ, थोड़े लोग नशे के लिए पीते हैं, नींद नहीं आना चाहिए, गाड़ी चलाने वाला जब नशा करते हैं तो वो उबाल दे, बहुत कड़क चाहिए, नशा के लिए पीना अलग, दारू भी पीते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, है ना, वो नशा अलग है। नशा भी क्यों करना चाहिए, उसकी भी विधि है, क्यों नशा करते हो, तनाव टेंशन ये सब क्यों आया, इन सब का निवारण है, क्यों करना, हर चीज जानना। ये बाबा ज्ञान में जीवन में मनुष्य को देवता अपने आप नहीं बनेंगे, समझा पाए, जो जितना करता है, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, नहीं पढ़ा गया नहीं पता है तो नुकसान किसको है, किसी को है। इसलिए तब कहा आपके लिए ये मुरली सुनने से सदगति होगी। तो ये ज्ञान सभी प्रकार का ज्ञान देता है, एक ही प्रकार का है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, हर प्रकार के जीवन शैली को, इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे संसार में जीना चाहिए, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, उन सब का ज्ञान। भगवान संसार से अलग तोड़ने के लिए नहीं आया, संसार को जोड़ने के लिए आया, संसार को सुखमय बनाने के लिए आया, दुख बने बनाने के लिए नहीं आया। आप पूछेंगे संसार में आप ऐसे कहते हो, आप ऐसे कहते हो, हाँ तो भगवान सुख क्यों, अगर आप देखना कभी आप ये सुनते हो शादी नहीं करो, हाँ नहीं करो, आज शादी करने के बाद कुछ जीवन एक कलयुग है, सारे कलप भी नहीं कहा, सत्युग से लेके अब तक ग्रस्त जन्म चलता है, कभी मना नहीं किया। इस कलयुग में जो भी बच्चे जन्म देंगे, आज ये बीमारी है, ये बीमारी है, एक बीमारी लग जाए एक एक लाख रुपया खर्चा करना है, और उनसे भी सुख नहीं है। देखो माँ बाप को भी वृद्धाश्रम में रखते हैं, माँ बाप की भी सेवा नहीं करते हैं, तो इस कलयुग में इतनी संतान हो गया धरती पर, तो उसके लिए अंत समय में कहा कि अपना समय परिवार को चलाने में, बच्चों के लिए इसके लिए उसके लिए कमाने में समय नहीं लगाओ, हाँ पेट भरने के लिए 4 घंटा 8 घंटा कर्म करो, बाकी समय सारे कलप के लिए आपको जो चाहिए अविनाशी कमाई करने में समय लगाओ। समझ में आया, ऐसे नहीं कहा, क्यों कहा, समय जो आपका है परिवार को संभालने जा रहा है 24 घंटे सवेरे से रात, तो अगले जन्म में सारे कलम की कमाई क्या खाएंगे, अगर अभी नहीं जमा किया कुछ किया तो अगले सारे कलम पे, सारे कलम के अंदर एक ही समय है कि कमाई जमा करने का समय, जब बरसात आती है तभी खेती बन सकती है। अगर घर बरसात के समय पर आपने खेती में बीज नहीं बोया, सारा साल क्या खाएंगे, मांगना पड़ेगा। समय पर कर्म करना जरूरी है, इस समय अपने साथ जो समय है, जो 24 घंटे में से ज्यादा समय अपने अविनाश सारे कलप की जो संपत्ति चाहिए आपको वो जमा करने में समय नहीं दे। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते समय कमाई करेंगे, नौकरी करेंगे तो पढ़ सकेंगे, तब माँ बाप कहते नहीं तुम सिर्फ पढ़ाई पढ़ो, हम कमा करके आपको खिलाएंगे, पढ़ने का समय, जब कमाई करते हैं तब पढ़ने का समय नहीं, जब नौकरी करता है उस समय पढ़ो बोलो जाएगा नहीं अंदर, पढ़ाई का समय अलग है। तो यहां भी तो ये सारे कलप का संगम है, जब स्वयं निराकार भगवान पढ़ाने आता है उस समय अगर आपने अपना समय खाने में पीने में सोने में और बातों में संसार में लगा दिया तो आप कहेंगे आपको समय नहीं मिला, पढ़ाई नहीं किया, किसको बताएंगे, तब कहते हैं अरे इनका तकदीर ऐसा है, इनका भाग्य ऐसा है, किसने भाग्य बनाया, किसने आपका तकदीर बिगाड़ा, हम नहीं, कोई बिगाड़ता नहीं, कोई बनाता नहीं, भगवान भाग्य बनाता नहीं, विधि बताता है, जो करेंगे वो पाएगा। तब कोई गरीब है, कोई श्रीमंत है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंगड़ा है, क्यों, अपने कर्मों से भगवान ने ऐसे रची थी, माता कहते हो
शिव बाबा ने ऐसी किसी को लंगड़ा, किसी को अंधा, किसी को गरीब, किसी को काला ऐसा किया? भाई बताओ, हाँ किया होगा ना? नहीं किया? पक्का? सभी बताते नहीं, थोड़े से बताते। भगवान तेरी धरती ऐसी, ऐसे धरती कैसे बनाया, ऐसा संसार क्यों बनाया, ऐसा तो नहीं कहते हो? कोई कहने वाले तो हाथ उठाओ। है अंदर लगता है जब समस्या आती, माता कहते भगवान शिव बाबा आपने ऐसा जीवन ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बोलते है ना, निकलता है ना कि नहीं? बताओ शिव बाबा आपने मेरे से ऐसे अन्याय क्यों किया? भगवान अन्याय करता है कि न्याय देता है? हाँ, लेकिन जब समस्या परिस्थिति आती है ना, तब पता। जैसे देखो महाभारत में अंत में भीष्म पितामह को तीर की शैया पर सुनाया, तीर चुप रहते और श्री कृष्ण खड़े थे, तब पूछा कि मैंने बचपन से आज तक कभी भी किसी को दुख नहीं दिया है, मेरे लिए क्यों? तब कहा आप अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तब कहा बचपन में आप रथ चलाते थे, रथ की चक्की के नीचे सांप आया, आपका मन स्वच्छ था, हिंसा नहीं करनी चाहिए, सांप को उठा के बाजू में गया, रस्ते के बाजू में कांटे के झाड़ होते हैं, तो कहां गिरा हो? काटे के, जितने काटे उस शरीर को लगे थे आज आपके शरीर को लग रहे हैं, कर्मों की गति है। हमारे जीवन में ये दुख, ये समस्या, ये सब क्यों, हम सिर्फ अभी जानते हैं। बाबा सारे कल्प का, तीनों कालों का जानता है, तब का त्रिकाल दर्शी। बच्चे आपने एक जन्म में, इसके पहले जन्म में, इसके पहले जन्म में सब कर्म अंदर भरे हुए, फिर भी आप पूछेंगे भाई जी कैसे दिखाओ, तब का मुखड़ा देख लो, रात को सोते हो ऐसे ऐसे